गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक रचना प्रसून से पाठ 12 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम मिड टर्म में भी पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं। आइए अब इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पर्यायवाची शब्द समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसी वाक्य को हमने दूसरी तरह से लिखा है, मैं पाठशाला जाता हूँ। तो विद्यालय और पाठशाला दोनों के ही समान अर्थ हैं। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, राम मेरा मित्र है, राम मेरा दोस्त है। तो मित्र और दोस्त, इन दोनों ही शब्दों के अर्थ समान हैं। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। सूर्य और सूरज दोनों ही शब्दों के अर्थ समान हैं। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, वृक्ष छाया देते हैं, पेड़ छाया देते हैं। तो वृक्ष और पेड़, इन दोनों ही शब्दों के अर्थ समान हैं। मेरा गृह सुंदर है। हमारा अगला उदाहरण का वाक्य है, मेरा गृह सुंदर है, मेरा घर सुंदर है। घर और गृह दोनों ही शब्दों के अर्थ समान हैं। बच्चों, आपके पोस्ट मिड टर्म के सिलेबस में आने वाले पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। हमारा पहला शब्द है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं तनय, बेटा, सुत, पूत। हमारा अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं सुता, बेटी, तनया, तनुजा। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं भू, धरा, धरती, अचला। हमारा अगला शब्द है मित्र। मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त, मीत, सखा, सहचर। हमारा अगला शब्द है वायु। वायु के पर्यायवाची शब्द हैं समीर, हवा, पवन, अनिल। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं पेड़, तरु, विटप, पादप। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनेश, दिवाकर, दिनकर, सूरज। हमारा अगला शब्द है स्त्री। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं औरत, महिला, नारी। हमारा अगला शब्द है शरीर। शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं देह, तन, काया, अंग। बच्चों, ये कुछ पर्यायवाची शब्द आपके पोस्ट मिड टर्म के सिलेबस में हैं। इन्हें आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।